आगे मत बढ़ो गुरु, वरना क्या करोगे प्यारे दिल जले। विजय उसी प्रकार बढ़ता हुआ मुस्कुरा कर बोला, मैं अमेरिकन अंकल को गोली मार दूंगा। अभी बच्चे हो बेटे, तुम्हारे मन में ये गलत फहमी बैठ गई है कि तुम गुरुओं से भी आगे निकल गए हो। लेकिन हमेशा याद रखो कि गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही। उसी से कभी सफल नहीं होता है जो गुरु की ही बंटाधार करने पर तुल जाए। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में तुम गुरुओं को भी मात करो, लेकिन अभी इतनी प्रतिभा नहीं हुई है कि तुम गुरु लोगों को धोखा दे सको। आज तो आप आदर्श डायलॉग मार रहे हैं अंकल, प्यारे दिल जले मियां, विकास आगे बढ़ता हुआ बोला। अभी तो देखना कि मैं क्या क्या मारता हूं। वहीं रुक जाओ अंकल, वरना गोली चल जाएगी, विकास ने दहाड़ते हुए कहा। आदरणीय श्रोता नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विथ अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं सस्पेंस थ्रिलर और जासूसी नॉवेल सीरीज विजय और विकास, और इस सीरीज में आज आप लोग जिस उपन्यास का वाचन सुनेंगे उस उपन्यास का नाम है मैकाबर का अंत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये विकास मैकाबर के देश में इस सीरीज की अगली कड़ी है जो आप लोगों ने इससे पहले सुना। अगर आप लोगों ने इससे पहले विकास मैकाबर के देश में इस उपन्यास की कथानक अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर विजय और विकास इस सीरीज के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। और आज से आप लोग सुनेंगे मैकाबर का अंत, इस उपन्यास की कथानक। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। साथ ही साथ आप लोगों से एक और जानकारी शेयर कर दूं कि जो भी फ्रेंड्स भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक वेद प्रकाश शर्मा की बहुचर्चित सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास हत्यारा मंगलसूत्र, इस नॉवेल को अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग हत्यारा मंगलसूत्र नॉवेल को सुन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिमांड आने के कारण और बहुत से कमेंट और मैसेज आने पर मैंने इस नॉवेल को फिर से दोबारा अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो जो भी फ्रेंड्स हत्यारा मंगलसूत्र इस नॉवेल को सुनना चाहते हैं तो मेरी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप लोग इस उपन्यास को सुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैकाबर का अंत, दो योद्धाओं के टकराव की सनसनीखेज गाथा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सुनिए विजय और विकास इसी सीरीज में मैकाबर का अंत आरजे अरुण के साथ। हाथ ऊपर उठा लो मिस्टर अल्फांसी। अल्फांसी के सामने खड़ा हुआ कजारियन सैनिक गर्जा, वरना भेजे में इतने छेद बन जाएंगे कि गिने भी नहीं जाएंगे। अल्फांसी ने ध्यान से स्थिति का अध्ययन किया, स्वयं को उसने चारों तरफ से सैनिकों द्वारा घिरा पाया। ये भी उभली भांति समझ गया कि अब उसके चेहरे पर चढ़ा मेकअप स्पेशलिस्ट का ये मेकअप भी बेकार है, क्योंकि सैनिक ने उसे बकायदा नाम से पुकारा था। अभी वो अपनी वास्तविक आवाज में बोलना ही चाहता था कि उसके मस्तिष्क में हल्का सा विस्फोट हुआ। उसके दिमाग में आया ये भी तो हो सकता है कि उन्हें उस पर अभी तक केवल संदेह मात्र हो और उसे घबराने के लिए एकदम उसका नाम लिया, अतः तुरंत मेकअप स्पेशलिस्ट के ढंग से बोला, अजी क्या कहते हो जी, हमारा नाम अल्फांसे नहीं जी, हम तो बकोमत। सैनिक खूंखार स्वर में गर्जा, हाथ ऊपर उठाकर बात करो। विवश अल्फांसे को आज्ञा पालन करना ही पड़ा, उसने हाथ ऊपर उठा लिए। अब किसी प्रकार की एक्टिंग से काम नहीं चलेगा मिस्टर अल्फांसे, सैनिक हाथ के रिवॉल्वर को अजीब स्टाइल से घुमाता हुआ बोला, जिस मेकअप में आप हैं उस व्यक्ति की लाश मिल चुकी है,
कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर अल्फांसे के चेहरे से मेकअप स्पेशलिस्ट के चेहरे का फेस मास्क नोच लिया। अब अल्फांसे सामने था। हॉल में बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान उस तरफ था। वहीं एक सैनिक ने उसकी तलाशी ली और फिर उसे रिवॉल्वरों के साए में ले जाकर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक सैनिक जीप में पहुंचा दिया गया। उसके चारों तरफ सैनिक बैठे हुए थे और जीप पोलिस्टार की चिकनी सड़क पर थर्राटे भर रही थी। शीघ्र ही जीप एक विशाल सरकारी इमारत के समीप रुकी। उसे लेकर सैनिक इमारत में प्रविष्ट हो गए। एक गोल और छोटे कमरे में उसे छोड़कर सैनिक चले गए। कमरे का द्वार बाहर से बंद कर दिया गया। एकाएक अल्फांसे के ठीक ऊपर ऐसी आहट हुई मानो किसी चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए हो। स्वाभाविक था कि अल्फांसे की दृष्टि अपने ऊपर उठ गई, लेकिन उसी पल उसकी आंख में कोई सफेद सा पाउडर आ गिरा। वो चीख उठा। आंख में भयानक जलन हो रही थी मानो मिर्च डाल दी गई हो। वो बुरी तरह चीखता हुआ आंख मल रहा था। ये तो महसूस कर रहा था कि कहीं गहराई में उतरता चला जा रहा है, लेकिन आंख खोलकर नहीं देख पा रहा था कि वो कहां जा रहा है। पहले उसके पैरों के नीचे फर्श धंसता चला गया। कठिनता से आधे मिनट पश्चात स्वयं ही किसी मशीन ने उसे गेंद की भांति उछाल दिया। आंखों में भयानक पीड़ा हो रही थी। चीखता हुआ वो धड़ाम से स्टील बॉक्स पर गिरा। फिर तेजी के साथ स्टील के लंबे चिकने और चमकीले रपटने पर लदर पदर रपटता चला गया। अचानक एक क्रेन के कुंदे जैसा कुंदा उसके ऊपर पल भर के लिए लहराया और अगले ही पल कुंदा उसके कमीज के कॉलर में धंस गया। लगभग आधे मिनट पश्चात ही कुंदे ने उसे हवा में ही छोड़ दिया। वायु में लहराता हुआ वो धड़ाम से गद्देदार आराम कुर्सी पर जा गिरा। अब उसकी आंखों की जलन भी कम हो गई थी। अगले ही पल जलन चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गई। वो तीन बार मिचमिचाकर उसने आंखें खोली तो स्वयं को एक बिल्कुल गोल किंतु छोटे कमरे में पाया। ओ वेलकम मिस्टर अल्फांसे, वेलकम। एकाएक वहां घुंघरू गुनगुनाया। अल्फांसे की गर्दन आवाज की तरफ घूम गई। सामने ऊपर से नीचे तक स्याह लिबास में लिपटे सिंह वाले रहस्यमय व्यक्ति को देखा। वो अन्य कोई नहीं, मैकावर संस्था का चीफ था, जिसे लोग लाबीटा शब्द से पुकारते थे। इस कमरे में अजीब सा प्रकाश था। अल्फांसे नहीं जानता था कि वो यहां कैसे आ गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ सोचते हुए अल्फांसे ने आराम कुर्सी से उठना चाहा, परंतु तभी दो तीन ऑटोमेटिक पट्टियों ने उसे आराम से कुर्सी पर ही जकड़ लिया। अल्फांसे निडर स्वर में बोला, क्या चाहते हो? चाहते तो हम तुमसे बहुत कुछ है, घुंघरू गुनगुना उठे, लेकिन तुम्हारी नादानी देखकर तरस आता है तुम पर। सीधी बात करो, तुम कजारिया में रहकर इतने दिन तक मैकाबर को धोखा देते रहे। ये महज इसलिए संभव हो सका कि हम तुम्हें जान से नहीं मारना चाहते थे। हमारे सख्त आदेश थे कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचे। कदाचित इसलिए तुम बार बार हमारे आदमियों को धोखा देकर निकल जाते थे। काम की बात करो, अल्फांसे सपाट स्वर में बोला। ध्यान से मेरी बात सुनो, वरना किसी भी समय तुम्हें समाप्त किया जा सकता है। ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो, मिस्टर अल्फांसे, घुंघरू गुर्रा उठा। आपको शायद अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ही अभिमान है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जिस पल चाहे तुम्हें मौत की घाट उतार सकते हैं। कोशिश करके देख लो, अल्फांसे अजीब ढंग से धीरे से मुस्कुराया और लापरवाह स्वर में बोला। अल्फांसे के साथ ये फिल्मी डायलॉग बहुत से व्यक्तियों ने बोले हैं, लेकिन मामला हमेशा उल्टा ही पड़ा है। खैर, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। होता भी तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये हमारा अपमान है, लाबीटा क्रोधित हो उठा। अगर शक्ति है तो अपमान का बदला ले लो। लाबीटा की आंखें भयानक ढंग से धधक उठी।
बोला, हम ये जान गए कि तुमने हमारे दल के एक ट्रांसमीटर ऑपरेटर मिस्टर जिगारा का बच्चा उठाया और उसे ब्लैकमेल करके जासूसों के दल के विषय में सूचनाएं लेते रहे, और साथ ही इस लॉकेट ट्रांसमीटर द्वारा तुम हर समाचार उस लड़के विकास तक पहुंचाते रहे। मैंने यहां से आदेश प्रचारित किया था कि जासूसों की गुप्त वार्ता किस जगह हो रही है। तुमने उजिगारा द्वारा जाना और ट्रांसमीटर पर विकास को बता दिया कि जासूसों पर वहां किसी प्रकार का खतरा आने वाला है। उसके पास साथ जब उन लोगों ने यात्रा प्रारंभ की तो मैंने यहां से अपने आदमियों को नए नए आदेश जारी किए, लेकिन तुम प्रत्येक बार उन्हें कैच करके विकास को भेजते रहे, जिससे उस लड़के को खतरा आने से पूर्व ही खतरे की सूचना मिल जाती थी, जिससे वो उस ग्रुप का हीरो बन गया, जबकि सारी कारगुजारी तुम्हारी थी। इन सब बातों को दोहराने से आखिर लाभ क्या है? लाभ ये है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं काबर अपने दुश्मनों को कितना भयानक मौत देती है। तुम्हें अपने ऊपर शायद आवश्यकता से अधिक गर्व हो गया है, तो संपूर्ण कजारिया के सामने खुले मैदान में तुम्हें मारा जाएगा। तो फिर देर क्या है? देर केवल इतनी है कि किन्हीं विशेष कारणों से हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुम इतने मूर्ख भी हो कि हमारा अपमान कर सको। अब हम तुमको तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम किसी देश के नेता हो, अल्फांसे धीमे से मुस्कुराकर बोला, क्योंकि भाषण काफी सुंदर दे देते हो। उधर देखो, लाबीटा ने एक टीवी स्क्रीन की ओर संकेत करके कहा, तुम्हारी मौत कितनी भयानक होगी। अल्फांसे ने जब स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी अंतरात्मा कांप उठी। वास्तव में बड़ा ही खौफनाक दृश्य था, परंतु बाहर से उसने ऐसा तनिक भी प्रकट न होने दिया जैसे वो उस दृश्य से प्रभावित हुआ हो। स्क्रीन का दृश्य ये था कि एक लाश लटक रही थी और उसके चारों तरफ असाधारण लंबे चौड़े गिद्ध थे जो उस लाश से मांस के लोथड़े नोच नोच कर बड़े चाव से खा रहे थे। ये गिद्ध साधारण गिद्धों की तुलना में बहुत बड़े थे, लंबी चोंच जिसे वे इंसानी मांस नोच रहे थे। बड़ी भयानक थी ये दृश्य। दोनों पंजों के नाखून बड़े और खतरनाक थे। पंजे इतने बड़े थे कि एक ही पंजे में अच्छे खासे मोटे इंसानों को दबाकर उड़ सकते थे। उनकी चोंच खून से रंगी पड़ी थी। तुम देख रहे हो इन स्पेशल गिद्धों को, लाबीटा बोला, एक एक गिद्ध में दो दो हाथियों जितनी शक्ति है। इंसानी गोश्त के अतिरिक्त ये अन्य कोई गोश्त नहीं खाते। एक बार पंजा मार देते हैं तो जिस्म की खाल उधेड़ लाते हैं। एक ही चोंच मार दे तो इंसानी जिस्म के आर पार छेद कर दे। इन्हें मैकाबर केवल तुम जैसे बहादुर दुश्मनों के लिए ही पालती है। क्या कहना चाहते हो? अब केवल ये कहना चाहूंगा कि ये तो मानना होगा, ये तो मानना ही होगा कि तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, और ये मैं नहीं चाहता कि एक बहादुर व्यक्ति को किसी वैज्ञानिक करिश्मे से कुत्ते की मौत मार दूं। तुम अपनी पूरी शक्ति लगा लो, अल्फांसे तब भी मरने वाला नहीं है। अल्फांसे के स्वर में अजीब सी दृढ़ता थी। तुम बहादुर हो, इसलिए तुम्हें बहादुरी के साथ ही मारा जाएगा। तुम्हें खुले मैदान में कजारिया की साधारण जनता के सामने निहत्थे इन तीन गिद्धों से एक साथ लड़ना है। अपनी जान खुद बचानी है इन खूनखार नरभक्षी गिद्धों से। भीतर ही भीतर अल्फांसे कांप गया ये सुनकर। वो भलीभांति जानता था कि तीन गिद्धों से एक साथ तो क्या, वो एक गिद्ध से भी निहत्था नहीं लड़ सकता, और वो भी जनता के सामने उसे तमाशा बनाकर मारा जा रहा है। परंतु उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि एकदम लापरवाह है। उसके पश्चात सारे कजारिया में 10 सरकारी जीपे ये अनाउंसमेंट करती फिर रही थी कि कल अल्फांसे नामक व्यक्ति तीन गिद्धों से लड़ेगा।
इस कुश्ती पर टिकट भी लगा दिया गया था, परंतु इस कुश्ती के बहाने लाबीटा ने अल्फांसे को सजाए मौत की सजा सुना दी थी। अल्फांसे का मस्तिष्क बड़ी तेजी से अपने बचाव का रास्ता सोच रहा था। फुचिंग गद्दार है, फुचिंग गद्दार है, उसे फाड़ कर चीर फाड़ कर सुखा देगा, विकास के जहन में रह रह कर यही वाक्य गूंज रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो एक ही पल में फुचिंग को चीर फाड़ कर सागर की भेंट चढ़ा दे। क्रोध में धधकते मस्तिष्क को थोड़ा शांत किया और सोचा कि वास्तव में ये भी संभव हो सकता है कि वो फुचिंग ना होकर उसके मेकअप में मैकाबर का कोई एजेंट हो सकता है। फिलहाल वो इसी बात की पुष्टि करना चाहता था कि वो वास्तव में फुचिंग है अथवा फुचिंग के मेकअप में अन्य कोई। अभी वो सोच ही रहा था कि सामने से दो पैरों पर किसी शहंशाह की भांति चलता हुआ बंदर धनुषंकार दिखाई दिया। विकास के दिमाग में एक हल्का सा धमाका हुआ। उसके नन्हे से मस्तिष्क ने एक बड़ी अजीब सी योजना बनाई और बोला, बेटा धनुषंकार। लपक कर श्रद्धा के साथ धनुषंकार ने विकास के चरण स्पर्श किए और अगले ही पल वो जम के साथ विकास की गर्दन में बाहें डाले लटका हुआ था। विकास उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। विकास गंभीर स्वर में बोला, या तो ये चीनी सुअर फुचिंग स्वयं गद्दार है या उसके मेकअप में हमारे बीच में मैकाबर का कोई जासूस आ गया है। उसके इस वाक्य पर धनुषंकार ने अपनी गोल गोल आंखों के साथ चौंक कर विकास की तरफ देखा। विकास बोला, सबसे पहले तो ये सुनो कि ये बात अभी किसी को भी नहीं बतानी है, गुरु विजय को भी नहीं। पहले हमें भली प्रकार ये देखना है कि वो वास्तव में फुचिंग है अथवा उसके मेकअप में कोई अन्य है। धनुषंकार ने इस प्रकार गर्दन हिलाई मानो सब कुछ समझ गया हो। उसके पश्चात दो मिनट में ही विकास ने धनुषंकार को अपनी योजना बता दी। धनुषंकार सब कुछ समझ गया। अंत में विकास ने कहा, अब तू मेरे वहां पहुंचने के ठीक 5 मिनट पश्चात आना। तत्पश्चात विकास उस हॉल में पहुंचा जहां विजय, माइक, ग्रिफिथ, अक्रम, रहमान, बागारोफ और फुचिंग इत्यादि सभी थे। 5 मिनट तक विकास, विजय और बागारोफ में ऐसी झपटे होती रही कि अन्य सभी के पेट में हंसते हंसते दर्द होने लगा। इस समय विकास ऐसा अभिनय कर रहा था कि जैसे उसके मन में कुछ हो ही नहीं। धनुषंकार आते ही उछलकर बागारोफ के कंधे पर बैठ गया तो बागारोफ चीखा, हट बे हरामखोर चरखे की औलाद, कंधे से उतर वरना इस नमक हराम हिंदुस्तानी ने फिर दुलत्ती झाड़ दी तो अपना तो आम का अचार बन जाएगा। लेकिन इस बीच बागारोफ के कंधे पर बैठे बंदर धनुषंकार ने अपनी जेब से नोटबुक निकालकर पेन से कुछ लिखा और बागारोफ का वाक्य समाप्त होते होते और नोटबुक का वो पेज फाड़कर बागारोफ को थमा दिया। बागारोफ ने बिना पढ़े ही कहा, ये क्या है बे पिल्ले। धनुषंकार ने संकेत से पढ़ने के लिए कहा। बागारोफ ने पढ़ा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई और तुरंत बोला, ये क्या नई शरारत है वे चरखे वाले। धनुषंकार ने विचित्रता के साथ किलकारी मारी और हाथ बागारोफ की तरह बढ़ा दिया। ग्रैंड अंकल, क्या लिखा है इसने। मुझे लगता है इस पिल्ले की सामत आई है। बागारोफ बोला, हरामजादा लिखता है कि जब से ये पैदा हुआ है आज तक शर्त में कोई नहीं जीत सका है और साथ ही हम सबको चैलेंज भी कर रहा है कि अगर किसी को इसकी बात पर विश्वास नहीं हो तो बकायदा शर्त लगा सकता है। इसका दावा है कि कोई भी शर्त में इससे नहीं जीत सकता। इस अद्भुत बात पर सबने एक दूसरे को देखा मानो पूछ रहे हो कि क्या उटपटांग शरारत है। सबकी नजरें पुनः बंदर धनुषंकार पर जाकर ठहर गई। ओ पलके झपका रहा था। सबसे पहले बागारोफ बोला, बेटा पिल्ले की दुम, पहले तो ये बताओ कि तुम पैदा हुए कितने दिन बीते हैं।
मैं तुमसे शर्त मिलाने के लिए तैयार हूँ, अचानक विकास बोला। सुनते ही धनुष टंकार के मुख से प्रसन्नता में डूबी एक किलकारी निकली और अगले ही पल वो विकास के प्यारे गाल को चूमता पाया गया। फिर दोनों ने प्रतिद्वंदी के रूप में हाथ मिलाए। दोनों नोट मेरे पास जमा करो वे, विजय बोला। फटाक से धनुष टंकार ने अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर विजय को थमा दिया। विकास ने भी तुरंत ही 100 का नोट निकालकर विजय को थमा दिया। लेकिन घोचू की औलादो, बागारोफ चीखा, ये शर्त किस बात पर लगी है? हार जीत कैसी होगी? विकास और धनुष टंकार ने एक दूसरे को देखा, फिर बोला, कौन फूचिंग अंकल को सबसे ज्यादा चाटे मारे? सब चौंक पड़े। फूचिंग अवाक सा मूर्खों की भांति उसका मुंह ताकता रह गया। जो हम दोनों में से फूचिंग अंकल को सबसे ज्यादा चाटे मारेगा वही ये 200 रुपए ले लेगा। सबकी खोपड़ी हवा में तैर रही थी। अजीब शर्त थी। इससे पूर्व कि कोई कुछ समझ पाए, विद्युत गति से धनुष टंकार उछला और चटाक से एक जोरदार चाटा फूचिंग के गाल से टकराया। तभी विकास भयानक तेजी से फूचिंग की तरफ लपकता हुआ चीखा, ग्रैंड अंकल तुम गिनोगे? और चटाक, बौखलाए से फूचिंग के सिर पर विकास का चपत पड़ा। उसके बाद दे दनादन, चपत पे चपत, चाटे पे चाटा, फूचिंग चीख पड़ा। दोनों महाशैतान थे। अब धीरे मारो, मैं गिनती भूल गया, अबे धीरे मार, बागारोफ चीखा। फूचिंग भागा, लेकिन उसके पीछे दोनों शैतान भी भागे। अजीब हालत थी। मेरे 525 हो गए ग्रैंड अंकल, विकास चीखा। कुछ जासूसों को ये मजाक बुरा लगा। वो सेम विजय को भी ये मजाक बहुत नागवार गुजरा। वो जान गया कि ये सब विकास की शरारत है। वो एकदम क्रोध में चीखा, विकास! बिजली की गति से चलते विकास के हाथ रुक गए। तब तक धनुष टंकार 2-3 और जमा चुका था। विजय चीखा, धनुष टंकार! उसके हाथ भी जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिए। ये कैसी बेहूदगी है? विजय को वास्तव में क्रोध आ गया था। अंकल सर, अभी विकास कुछ कहने जा रहा था कि तभी चटाक, एक जोरदार और शक्तिशाली थप्पड़ विजय ने विकास के गाल पर मारा। विकास की खोपड़ी भन्ना कर आ गई। विजय को बेहद क्रोध आ गया था। उसने 2-3 थप्पड़ विकास के गाल पर और जड़ दिए। विकास ने किसी अपराधी की भांति गर्दन झुका ली। विजय उसका गुरु था, उनका बेहद सम्मान करता था। विजय का उस पर हक था। इन थप्पड़ों को चुपचाप सहने में ही विकास की महानता थी। विकास की आंखों में हल्के हल्के आंसू तैर गए। धनुषंकार सहमा सा एक कोने में जा खड़ा हुआ। विजय विकास का गिरेबान पकड़कर जोर से झिंझोड़ता हुआ क्रोध में चीखा, ये क्या नीचता की है तुमने? मुझे तुमसे ऐसी कमीनी हरकत की आशा कभी नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे चेले होकर इतनी ओछी और जलील हरकत करोगे। तुम मरना चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए, मेरे नाम को भी तुमने डुबो दिया। अंकल, विकास भावुक होकर बोला, क्षमा कर दो, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। विजय ने उसे एक तीव्र धक्का देते हुए कहा, आज तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आइंदा कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। गुरु, विकास विजय के चरणों में गिर पड़ा, छुओ मत मुझे। क्रोध से विजय विकास के चेहरे पर बूट की एक ठोकर मारते हुए गरजा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने कमजोर विचारों की इंसान बनोगे तो मैं बस बस चुप रहो भी हिंदुस्तानी, नहीं तो ऑमलेट बनाकर चबा जाऊंगा। एकाएक लपक कर बागारोफ ने विकास को फर्श से उठाकर गले से लगा लिया। ठोकर लगने के कारण विकास की नाक और मुंह से खून बह रहा था। विकास किसी अपराधी की भांति जो अनजाने में गलती करके अब पश्चाताप कर रहा हो, बागारोफ के चौंडे सीने में समा गया। बागारोफ प्यार से उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला,
ये माना कि इस ऊँटनी वाले से गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि क्षमा भी ना किया जा सके। इसे तुमने ही सिर पर चढ़ा रखा है चाचा, विजय बोला। इसे इस केस पर भी तुम ही लाए और अब इतनी बड़ी गलती पर भी उसी का पक्ष ले रहे हो आप। ज्यादा बकबक मत कर बे चिड़ी के गुल्ले, बागारौफ बोला। क्या गलती की है इसने? क्या पूछेंगे इस केस में हमारा साथी नहीं है? क्या हम सब साथी आपस में मजाक नहीं कर रहे हैं? अगर साथी जानकर ही इसने फूचिंग से थोड़ा मजाक कर ही लिया तो इसमें इसने क्या गलती की? इससे प्रतिशोध की भावना में ये सब किया है, ये मैं नहीं जानता विजय, और ना ही मैं मानता हूं, एकाएक अभी तक मौन खड़ा हुआ फूचिंग बोला। वो मजाक मेरे साथ विकास साथी के रूप में भी कर सकता है, मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं। विजय फूचिंग को ताकता रह गया। दोनों शैतानों ने मिलकर फूचिंग की अच्छी खासी धुनाई कर दी थी। धनुष डंकार ने तो उसके चेहरे पर कई आस्थानों पर नाखून भी मार दिए थे, जिससे खून छलक रहा था। दरअसल विकास और धनुष डंकार की बनाई हुई योजना ही ये थी। नाखून धनुष डंकार ने इसलिए मारे थे कि ये पता चल जाए कि वास्तव में फूचिंग ही है, अथवा उसके मेकअप में कोई अन्य बहुरूपिया। चेहरे से खून बहने का सीधा सा मतलब था कि मेकअप की कोई झिल्ली इत्यादि उसके चेहरे पर नहीं है, वास्तव में ये फूचिंग ही है। ये योजना इतना गंभीर रूप धारण कर लेगी, इसके बारे में तो विकास ने नहीं सोचा था। इधर विजय फूचिंग के विषय में सोच रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि फूचिंग विकास का जानी दुश्मन होने के बाद भी इस समय उसके प्रति इतना नम्र क्यों है। ना जाने क्यों विजय को ऐसा लगा कि इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ रहस्य है। इस घटना के पश्चात जलपोत पर हुआ वो मजेदार वातावरण समाप्त हो गया। विजय एक अलग केबिन में चला गया था। ग्रिफित, अकरम और रहमान एक कक्ष में बैठे उसी घटना पर वार्ता कर रहे थे। वे सब इस बात पर सहमत थे कि विकास की यह हरकत वास्तव में गलत थी। वागारोफ और माइक डेक पर खड़े इसी विषय पर बातें कर रहे थे। वे भी ये मान रहे थे कि ये सब विकास ने फूचिंग के प्रति अपनी खुन्नस उतारी है, और दोस्ती की इस माहौल में इस प्रकार की ओछी हरकत एकदम गलत है। धनुष टंकार भी डेक पर ही गुमसुम बैठा था। सबकी निगाहों में तो विकास भी अकेला ही केबिन में चला गया था, जबकि वास्तविकता ये थी कि इस घटना से वो जरा भी दुखी नहीं था। वो जानता था कि जब वो सबके सामने ये रहस्य खोलेगा कि फूचिंग गद्दार है, देशद्रोही है, और उसने जो कुछ भी किया था वो सब एक योजना के अंतर्गत किया था, तो सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और उसके वही गुरु विजय जो इस समय उसे सख्त नाराज है उसे अपने गले से लगा लेंगे। वो अवसर की तलाश में था। वास्तव में वो उस केबिन में नहीं था जिसमें सबने उसे घुसते हुए देखा था, बल्कि वो फूचिंग के कक्ष में उसके पलंग के नीचे था। फूचिंग चुपचाप बिस्तर पर बैठा हुआ था। वो भी इस कक्ष में विकास की उपस्थिति से अनभिज्ञ था। विकास को उसके पैर चमक रहे थे। फूचिंग हमेशा घुटनों तक के जूते पहनता था। एकाएक धीमी धीमी पिक पिक की आवाज सुनकर विकास के कान खड़े हो गए। इस आवाज को सुनते ही फूचिंग ने तेजी के साथ अपना दाया जूता उतारा, उसके तले में लगा ट्रांसमीटर ऑन किया तथा बोला, हेलो हेलो फूचिंग हियर। विकास इसी बात की तो प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत जेबी टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। यस, दूसरी तरफ से लाबेटा का घुंघरू की गुनगुनाहट जैसा स्वर उभरा। फूचिंग सतर्क हो जाओ, जलपोत पर यात्रा करते हुए विकास को तुम्हारा रहस्य अब पता लग गया है। वो ये जान गया है कि तुम प्रत्येक सूचना मैकाबर को देते रहे हो। उस लड़के से होशियार रहने की आवश्यकता है फूचिंग। उस सारी टीम को तुम्हें सुरक्षित कजारिया लाना है। ओवर। क्या कहा? फूचिंग बुरी तरह चौंक पड़ा। और उधर विकास,
विकास के खौलते खून में जैसे उबाल आ गया। अब वक्त आ गया था जब वो इस कुत्ते को फाड़कर सुखा सकता था। उस स्वयं को संभाल न सका, जोर से चीखा, फूचिंग, और लपक कर गोरिल्ले की तरह पलंग के नीचे से बाहर आ गया। अब तेरा वक्त आ गया है सुवर, विकास खूनी स्वर में चीखा। मैं जानता था कि तेरे खून में वफादारी नहीं हो सकती, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा कमीने। अचानक विकास को सामने देखकर पहले तो फूचिंग बुरी तरह चौंका, फिर बौखलाया, और फिर अगले ही पल उसकी इकलौती आंख खौफनाक ढंग से दहक उठी। अब फूचिंग ने भी निश्चय कर लिया था कि वो विकास के साथ अंतिम फैसला कर लेगा। विकास की मौत ही अब उसकी जिंदगी थी। ट्रांसमीटर उसके हाथ से निकलकर बिस्तर पर गिर गया था। वो स्थिर निगाहों से विकास को घूरता हुआ गुर्राया, तो तुम सब रहस्य जान ही गए। मैं नहीं जानता था गंदी नाली के कीड़े कि तू अपने देश के साथ भी गद्दारी कर रहा है। अब तुम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचोगे, अपनी खैर मना कुत्ते, विकास चीखा। विकास तेरे जिस्म के लाखों टुकड़े कर देगा। फूचिंग इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेला है लड़के, फूचिंग ने कहते हुए एक चाकू खोल लिया। कोई जान भी नहीं सकेगा और तुझे मछलियां नाश्ता बना लेंगी। होश की दवा कर गद्दार चीनी, विकास भी सतर्क होकर गुर्राया। आज से पहले मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता था जितनी आज हो रही है। तुम अपने वतन के प्रति भी वफादार नहीं हो सुवर, बको मत हिंदुस्तानी पिल्ले। कहता हुआ फूचिंग चाकू संभाल कर तेजी के साथ विकास पर झपटा। विकास ने उसे भी अधिक फुर्ती दिखाते हुए एक जंप ली और न केवल वो अपने स्थान से हट गया बल्कि पीछे से एक लात फूचिंग की कमर में मारी। लड़खड़ाकर फूचिंग मुंह के बल गिरा। विकास ने तुरंत उस पर जंप लगा दी, लेकिन फूचिंग भी किसी प्रकार कम नहीं था। बड़ी तेजी से वो दो तीन करवटें ले गया। विकास को खाली फर्श मिला। फूचिंग ने चाकू संभाल कर उस पर जंप लगाई, किंतु अगले ही पल विकास की दोनों टांगे कैंची की भांति उसकी गर्दन को फंसाए हुए थी। उसके पास साथ विकास और फूचिंग एक दूसरे के खून के प्यासों में खूनी जंग जारी हो गई थी। विकास तो खैर विकास ही था, एक खूंखार और जल्लाद। जब बात देशद्रोह का हो, किसी गद्दार शख्स की हो, तो इंसान नहीं जानवर बन जाता था। वो वैसी जानवर, ये वो लड़का था जिसके गुरु अल्फांसे विजय जैक्सन और जैकी जैसे थे, जिसे सबने अपने अपने गुर सिखा दिए थे। अब वो इतना शक्तिशाली और इतनी स्टाइलों का ज्ञाता था कि बड़े से बड़ा लड़ाका भी उसके लिए कुछ नहीं था। परंतु दूसरी तरफ फूचिंग भी किसी से कम नहीं था। वो बराबर खूनी जंग में विकास का मुकाबला कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विकास के सामने वो कुछ कमजोर पड़ता जा रहा था। विकास से दिल ही दिल में तो वो पहले ही प्रभावित था, उस पर इस समय विकास पर खून सवार था, इस समय उस पर फूचिंग की हत्या का जुनून सवार था। विकास फूचिंग को भारी पड़ रहा था। लड़ाई के मध्य चाकू विकास के हाथ में आ चुका था। फूचिंग ने घबराकर रिवॉल्वर निकाल लिया और बिना कुछ सोचे समझे विकास पर फायर कर दिया। लेकिन उस समय हैरत से फूचिंग की आंखें फैल गई जब ठीक उसी समय विकास के हाथ से चाकू निकला। गोली और रिवॉल्वर वायु में ही टकरा कर छितर गए। विकास को ये आर्ट प्रलयकारी विकास नामक उपन्यास में जैकी ने सिखाई थी। उस अभियान में जैकी ने सिखाई थी। फायर की आवाज से पूरा जलपोत गूंज उठा। इधर फूचिंग अभी सफल भी नहीं हो पाया था कि वायु में तैरता हुआ विकास का जिस्म उसके ऊपर जा गिरा। रिवॉल्वर फूचिंग के हाथ से निकल गया। वे दोनों फिर खूंखार भेड़ियों की तरह आपस में भिड़ गए। उसके बाद
केवल 2 मिनट तक उनके बीच खूनी जंग जारी रही। फायर की आवाज जलपोत पर उपस्थित सभी जासूसों को इसी कक्ष में खींच लाई। फायर की आवाज सुनते ही जलपोत में भगदड़ सी मच गई थी। 2 मिनट बाद ही उस कक्ष में बदहवासी के साथ भागते हुए सबसे पहले बागारोव प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे माइक, ग्रिफिथ, रहमान, अक्रम भी तेजी से अंदर आए। और तब जबकि तूफान की भांति विजय वहां प्रविष्ट हुआ, अंदर का दृश्य देखते ही देखते विजय की आंखें सोले उगलने लगी। उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। अब ये क्या गोलीकांड हो रहा है, हरामी के पिल्लों, बागारोफ ने चीख कर आगे बढ़ना चाहा। ठहरो चाचा, विजय के खूनी स्वर ने सबको ऊपर से नीचे तक कपा दिया। मैं इसे इसकी बदतमीजी का सबक दूंगा। बागारोफ अपने स्थान पर ठिठक गया, चाहकर भी वो एक कदम आगे ना बढ़ सका। विजय की आवाज ही इस प्रकार सर्द थी कि वो सिर्फ कांप कर आ गया। विजय आगे बढ़ा। फुचिंग और विकास अभी तक एक दूसरे में गुत्थम गुत्थे हुए थे। विजय के दिमाग में ये सब देखकर यही आया कि विकास फुचिंग से अपनी दुश्मनी निभाने उसी के कक्ष में आकर उससे भिड़ा है। पीछे से कॉलर पकड़कर उसने एक झटके के साथ विकास को खींच लिया। इससे पूर्व कि विकास कुछ कर पाए, विजय ने एक जबरदस्त घूसा उसके मुंह पर दे मारा। चीखता हुआ विकास फर्श पर जा गिरा और विजय गुस्से की जाति में भभकते चेहरे के साथ चीखा, जितना तुम पर मुझे गर्व था तुमने उतना ही मुझे नीचा दिखा दिया। कहते हुए उसने एक ठोकर फर्श पर पड़े विकास की पसलियों में मारी। दर्द से विकास चीख पड़ा। तभी विजय बोला, तुम्हारी नादानी हम सबको मरवा देगी। कहते हुए वो विकास का कॉलर पकड़कर उठा रहा था। थोड़ा सा अवसर मिलते ही विकास तेजी से बोला, मेरी बात सुनो अंकल। विजय ने फिर बाल पकड़कर उठाया और बोला, आज के बाद तो मुझे अंकल कभी नहीं कहोगे। तो फिर एक ठोकर उसने विकास के पेट में मारी। गुरु, विकास इस बार क्रोधित होकर चीख पड़ा, मेरी बात सुनो, फुचिंग गद्दार है, बको मत। विजय ने झपट कर तथा फिर एक झापड़ उसके गाल पर मारकर गरजा, अपनी जलालत को छिपाने के लिए ये बहाना अच्छा है तुम्हें। और उधर फुचिंग के दिमाग में भयानक हलचल मची हुई थी। वो तेजी से सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विजय विकास को बुरी तरह मार रहा था, विकास पीटता जा रहा था। एकाएक विकास चीखा, गुरु, आपके चरणों की सौगंध गुरु, फुचिंग गद्दार है, ओ मैं काबर से मिला हुआ है, ये झूठ है, फुचिंग चीखा। न जाने क्यों विजय के हाथ थम गए। उसके दिमाग में आया कि कहीं वो गलती पर तो नहीं है, विकास कभी ये सौगंध झूठी नहीं खा सकता। उसने ध्यान से विकास को देखा, लड़का खून से लथपथ हो चुका था, नाक और मुंह से अब भी खून बह रहा था। विजय ने भी उसे बेइंतहा मारा था, लेकिन अब भी उसकी आंखें दहक रही थी, जिस्म कांप रहा था। वो एकदम चीखा, बकता है सुअर के बच्चे, मैंने तेरी सारी बातें टेप कर ली है। फुचिंग की खोपड़ी घूम गई। मुझे पहले ही पता लग गया था अंकल कि ये गद्दार है। धनुष टंकार से जो शर्त लगाई थी उसका उद्देश्य केवल इतना था कि मैं ये जान सकूं कि ये असली फुचिंग है अथवा नहीं। सच कहता हूं अंकल, भारत माता की कसम खाकर कहता हूं कि ये गद्दार है। विकास की कथन पर सब अवाक रह गए, स्वयं विजय भी। उसे अपने किए पर अब पश्चाताप सा हुआ, लेकिन इस समय पश्चाताप करने का नहीं था। अभी सब अवाक से खड़े ही थे कि एक-एक फुचिंग की गुर्राहट ने सबको चौंका दिया। खबरदार, कोई नहीं ले, वरना एक एक को भून कर रख दूंगा। फुचिंग के हाथ में अब रिवॉल्वर आ गया था। ओए ईंट के पंजे, तो नमक हराम तू ही निकला आखिरकार, वागारोफ आगे बढ़ता हुआ बोला। ओ वही रुक जाओ चचा, वरना गोली मार दूंगा, फुचिंग गुर्राया।
विजय की आंखें सोली उगलने लगी। अब तेरा अंतिम समय आ गया है सुअर के बच्चे। तभी धाएं फुचिंग ने बागारोफ पर गोली चला दी, लेकिन जासूस सम्राट विजय भयानक फुर्ती के साथ उसने न केवल धक्का देकर बागारोफ को बचा लिया, बल्कि स्वयं भी हवा में लहराता हुआ फुचिंग के ऊपर जा गिरा। क्रोध में इस समय विजय का बुरा हाल था। पलक झपकते ही उसने फुचिंग को उठाकर पटक दिया। तभी विकास चीख पड़ा, नहीं अंकल, इस सुअर से लड़कर अपनी तौहीन मत करो, ये आपके लायक नहीं है, आपका बच्चा ही इसे चीर फाड़ कर सुखा देगा, हट जाओ गुरु, ये मेरा शिकार है। और फिर विजय को तो अवसर ही नहीं मिला कि कुछ कर पाए। विकास बुरी तरह फुचिंग पर पिल गया, यहां तक कि मार खाता खाता फुचिंग बेहोश होकर गिर पड़ा। विजय और बागारोफ के साथ माइक, ग्रिफिथ, रहमान और अक्रम इत्यादि भी इस 15 वर्षीय लड़के की भयानकता देखकर कांप गए। क्रोध में विकास ने समीप पड़ा चाकू उठा लिया और उसका हाथ ऊपर उठा। एक ही पल बाद चाकू बेहोश फुचिंग का सीना फाड़ देता कि तभी लपक कर माइक ने उसका हाथ थामा, नहीं, हम इसे नहीं मार सकते विकास, हट जाओ। विकास भयानकता के साथ गरजा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके सागर में फेंक दूंगा। कहते हुए उसने इतना तेज झटका दिया कि माइक लड़खड़ाकर गिर गया। उसका हाथ फिर उठा, लेकिन इस बार ग्रिफिथ ने थाम लिया। वो बोला, यह हमारे साथ आया है, हम इसे नहीं मार सकते। विकास पर खून सवार था, अभी वो ग्रिफिथ को भी धक्का देने ही वाला था कि सब जासूसों ने एक साथ लपक कर उसे थाम लिया। विजय को भी ध्यान आया कि बागारोफ क्या सोच रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, विकास उनके बंधनों में मचलता हुआ बोला। नहीं विकास, विजय गंभीर स्वर में बोला, हम इसे मार नहीं सकते, हम सब जासूसों की टीम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आई है, हम इसे मार नहीं सकते, UNO हमसे जवाब मांग सकती है इसके मौत की, ये सब मैं कुछ नहीं जानता, विकास गुर्रा उठा। फुचिंग गद्दार है और गद्दार की सजा सिर्फ एक होती है, सजाए मौत, समझने की कोशिश करो विकास, विजय आश्चर्यपूर्ण मुद्रा में बोला। इस तरह एक दूसरे देशों के बीच युद्ध छिड़ सकते हैं, विश्व युद्ध हो सकती है, मैं कुछ नहीं जानता, विकास भेड़िए की भांति गर्जा, ये गद्दार है और मैं इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विकास, विजय भी चीखा, तुम फिर जिद करने लगे, क्षमा करना गुरु, बच्चा हूं आपका, विकास बोला, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप गुरु हैं मेरे, जब तक आप ठीक थे तब तक, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं सहूंगा भी नहीं, जब तक आप ठीक थे तब तक मैं कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब क्या करोगे, विजय गुर्रा उठा, माफ करना गुरु, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मरने भी नहीं दूंगा, विजय ने कहा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, विकास दृढ़ता के साथ कर जा, मैं इसे जान से मारूंगा और हर कीमत पर मारूंगा, आप अगर गद्दार से मिलना चाहते हैं तो मिल जाइए, विकास आपके चरणों की सौगंध गुरु, आपका बच्चा जो निश्चय होता है अटल होता है, मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं कि कृपा करके मेरे मार्ग में कोई ना आए और ना ही आने की चेष्टा करे, और अगर कोई आया तो परिणाम का जिम्मेदार उस स्वयं होगा, तो तुम कहना नहीं मानोगे हमारे, मैं उस गुरु का कहना नहीं मानूंगा जो गद्दारों से जा मिला है, तुम समझने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हो विकास, पहले भी कह चुका हूं गुरु कि मेरे पास गद्दारों के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है, सजाए मौत, लगता है आप सब लोग इसे मरने नहीं देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार फिर विनम्र शब्दों से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी मेरे और फुचिंग के बीच में आने की चेष्टा ना करे, इस अभियान में मैं किसी की कोई शर्म लिहाज नहीं करूंगा।
सबने उसकी ये चुनौती सुनी। वहां उपस्थित समस्त जासूसों को विकास का ये अस्पष्ट चैलेंज था। उसने अस्पष्ट कहा था कि अगर सब जासूस भी फुचिंग को बचाना चाहेंगे तो बचा नहीं पाएंगे। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि विकास ने एक तीव्र झटका देकर सेम को आजाद किया। फिर सब उसकी तरफ लपके, परंतु जम के साथ कक्ष की एक खिड़की पर पहुंचकर चीखा, आप लोगों को मेरा ये खुला चैलेंज है, मैं फुचिंग को कुत्ते की मौत मारूंगा और आप लोग देखते रह जाएंगे। अगर आप रोक सके तो रोक ले। विकास, विजय बोला, अभी वो शैतान बगारो फ्लब का। लेकिन सबके देखते ही देखते विकास ने खिड़की से बाहर गरजते हुए उस भयानक सागर में जंप लगा दी थी। लपक कर सारे जासूस खिड़की पर पहुंचे, बाहर देखा तो विकास कहीं भी नजर नहीं आया। नजर आया तो सिर्फ और सिर्फ गरजता हुआ वो भयानक सागर, शोर मचाती हुई उसकी भयानक लहरें। विकास गरजती हुई सागर की लहरों में समा गया था। गरजते हुए सागर ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। विकास कहीं नजर नहीं आया। अब क्या होगा, विजय के होठ बुदबुदा उठे। ये चिड़ी का गुलाम आखिर बना किस मिट्टी का है, बगारोफ गरजती हुई लहरों को घूरता हुआ बोला। वास्तव में विकास को जैसा सुना था वो वैसा ही पाया। ग्रिफिथ ने कहा, मैं समझता हूं उसका सिद्धांत सही है, रहमान बोल पड़ा। अब वो तुम सबको चिड़ी का गुलाम बना देगा, हमें फुचिंग की जान की हिफाजत करनी है, विजय निर्णायक स्वर में बोला। फुचिंग हमेशा हम लोगों के पहरे के बीच रहेगा, किसी भी कीमत पर हम विकास को उसके इरादे में सफल नहीं होने देंगे। पहले विकास का तो ख्याल करो, वो भी जिंदा बचेगा या नहीं, अकरम बोला। वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लड़का फौलादी है, ये शब्द विजय ने कहे थे। उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया। फुचिंग बेहोश पड़ा था, विकास ने जमकर उसकी पिटाई की थी और वो अभी तक बेहोश पड़ा था। मैंने इतना खतरनाक लड़का अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा, ग्रिफिथ सागर की गरजती लहरों को देखता हुआ बोला। अभी तुमने इसकी शैतानी देखी ही कहां है ग्रिफिथ भाई, विजय भी उस गर्जना करते हुए सागर की ओर घूरता हुआ बोला, जिसमें विकास विलुप्त हो गया था। इस साले दिलजले की शैतानियों ने तो हमारे कान में दर्द कर दिया है। अब देखो ना कितना सनकी है, एक बात दिमाग में चढ़ी नहीं कि गुरु की आज्ञा को 3 आने किलो बेचकर खा गया और उल्टे गुरु को ही चैलेंज दे डाला। भगवान जाने बगारोफ क्यों चुप था। एक दृष्टि से देखा जाए तो विकास जो कुछ भी कर रहा है वो गलत नहीं है, माइक ने कहा। क्यों प्यारे साइकिल चेन, वो कैसे, जब हमारे ही साथियों में एक जासूस गद्दार हो तो नया खून खौल ही उड़ता है। खौल तो उड़ता है प्यारे साइकिल चेन, लेकिन जरा ये तो सोचो कि उस ऊपर वाले ने हर इंसान को दिमाग नाम की एक चिड़िया दी है, जिसके उपयोग से व्यक्ति ऊंचा उठता है। ये क्या बकवास लगा रही है हराम खोरो, अचानक बगारूफ उन पर चढ़ दौड़ा। मुझे डर है कि कहीं मेरा बहादुर बच्चा इस कमीने गद्दार चीनी के चक्कर में खुद ना मारा जाए। तुम सब दुनिया के बड़े बड़े जासूस ये तक ना जान सके कि तुम्हारे बीच एक गद्दार को भी मेरे उसी बच्चे ने पकड़ा, और अब तुम इस गद्दार को सजा देने से भी डरते हो, यूएनओ का हवाला देते हो। अगर वो लड़का नहीं बताता कि फुचिंग गद्दार है तो क्या हम सबको मौत के मुंह में नहीं झोंक देता ये, तब यूएनओ क्या करता, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे जीवन लौटा सकता था कि ये गद्दार मच्छर विश्व को खतरे में नहीं डाल देता। मगर चचा बको मत भूतनी के, बगारूफ रहमान के बोलते ही उस पर चढ़ दौड़ा।
इतना कान खोल कर सुन लो कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ओ हरामजादा गरजते हुए सागर में कूद गया है, अगर उसे कुछ नहीं होगा चाचा, विजय बोला। चुप में झकझकिए की औलाद, बागारूफ उसी पर चढ़ दौड़ा। लगता है तुझे अपने उस घोड़ी के बाल जैसे चेले पर जरूरत से ज्यादा ही विश्वास है। कुछ भी हो, अभी वो बच्चा है और फिर गरजते हुए इस सागर में तो बड़े से बड़ा जासूस भी जिंदा नहीं रह सकता। वागारूफ उफनते हुए समुद्र को लहरों को घूरता हुआ बोला। अभी कुछ क्षण पूर्व उन सबको चैलेंज करके विकास ने समुद्र में जंप लगाई थी, वो इतना बेशर्म नहीं है चाचा, विजय बोला। वो हम लोगों को चैलेंज करके गया है, वो चेला है मेरा, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ और ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो हम लोगों का जीना हराम कर देगा, वो हमारी नींद हराम कर देगा। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो फूचिंग के चक्कर में हमारा भी अपमान न कर दे। मरने दो इस साले गद्दार कीड़े को, वागारूफ एक जोरदार ठोकर फूचिंग के बेहोश जिसमें मारता हुआ बोला। मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा, अगर वो हरमजादा लड़का इस नहीं मार सका तो मैं खुद इसकी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। लेकिन चाचा चुप वे अमेरिकन की तुम, वागारूफ माइक के बोलते ही उस पर चढ़ दौड़ा। मैं जानता हूं कि इस तरह विश्व युद्ध छिड़ सकता है, छिड़ता है तो होने दो साले को, हम विश्व युद्ध से नहीं घबराते, हो जाने दो, कहते हुए बागारूफ ने वोडका की बोतल निकाली और अभी होठों से लगाना ही चाहता था कि अभी तक चुप बैठा हुआ धनुष्टंकार गजब की फूर्ति के साथ उछला और उसके हाथों में वोडका की बोतल लेकर फूचिंग के बेहोश जिस्म पर बैठा हुआ नजर आया। बोतल उसके मुंह से लगी और वोडका उसके कंठ से नीचे उतरती जा रही थी। अबे वो घोड़े के बच्चे, वागारूफ चीखा, साले तेरा वो गुरु तो अपने आप को 30 मार खा समझता ही है, तू अपने को क्या समझता है? उसके हाथ पर अभी तक पजामे से बाहर निकले नहीं है और हमें चैलेंज देकर गया है कि वो इस कुत्ते को मारेगा और हम रोक सके तो रोक ले। धनुष्टंकार ने केवल 3 बार पलके झपकाई और फिर वोडका पीने लगा। विजय, माइक, ग्रिफिथ, रहमान, अक्रम, बागारूफ इत्यादि सभी के हृदय में एक द्वंद चल रहा था इस वक्त। सब अलग अलग सोच रहे थे, कोई भी दिल से विकास के विरुद्ध नहीं था, दिल से कोई नहीं चाहता था कि विकास अपने चैलेंज में असफल हो, सब यही चाहते थे कि विकास फूचिंग की हत्या कर दे। दिल से वे विकास के साथ थे, सब जानते थे कि विकास जो कुछ कह रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन डर था अंतर्राष्ट्रीय कानून का, उनके मार्ग में यही एक बाधा थी। वास्तव में इस घटना के घटित होने पर विश्व युद्ध के भयंकर शिकंजे में फंस सकता था। इस ग्रुप के अन्य सभी जासूसों को फूचिंग की हत्या के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय अदालत सजा दे सकती थी। बस इन्हीं कुछ कारणों से प्रत्येक जासूस विकास के विरुद्ध जाने के लिए बाध्य था। वे विकास को यही बात समझाना चाहते थे, लेकिन विकास की बुद्धि में ये बात घुसी नहीं रही थी। और वागारूफ तो बल्कि ये भी सोच रहा था कि अगर मौका लगे तो फूचिंग को सुना दे, लेकिन वो ये विचार सब जासूसों के सामने नहीं रख सकता था। विजय स्वयं सोच रहा था कि फूचिंग का जीवित रहना खतरनाक हो सकता है। दिल से वो विजय ये भी चाहता था कि विकास फूचिंग की हत्या कर दे, परंतु ये भी वो दृढ़ निश्चय कर चुका था कि वो विकास को इस कार्य में सफल नहीं होने देगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक बेहोश फूचिंग के मुंह से एक कराह निकली, उसके जिस्म में हरकत हुई, धनुषंकार खुद कर उससे अलग हो गया, सबकी विचार श्रृंखला टूट गई और ध्यान उस तरफ चला गया। प्रत्येक जासूस की आंखों में अब उसके प्रति घृणा के भाव थी। विजय और वागारूफ की आंखें तो जैसे आग उगल रही थी उसे देखकर।
नरेंद्रकार की आंखों में भी फुचिंग खटक रहा था। वो आश्चर्यजनक ढंग से उछला और कुछ समझ नहीं पाया था कि बंदर धनुष्टंकार के हाथ का एक जोरदार चपत फुचिंग के गाल पर पड़ा। फुचिंग बौखलाकर हड़बड़ाता हुआ खड़ा हो गया। फुचिंग की हालत खस्ता थी। विकास ने उसे बहुत मारा था, मारते मारते उसे बेहोश कर दिया था। उसका आईकैफ कानी आंख से थोड़ा हट गया था। माथे पर लिखा हुआ पुराना विकास अभी तक चमक रहा था। इस समय की पिटाई के कारण सारा जिस्म ही लहूलुहान हुआ था। फुचिंग ने देखा कि उसके चारों तरफ 7 शैतान खड़े हैं। 14 आंखें उसके ऊपर आग उगल रही है। ऊपर से नीचे तक फुचिंग कांप गया। वो जानता था कि उसका रहस्य अब खुल चुका है। वागारोफ फुचिंग की तरह बढ़ा। वो पीछे हटा, लेकिन पीछे कहां तक हटता। पीछे विजय खड़ा था। जैसे ही उसके समीप पहुंचा, विजय ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और उसे पुचकारता हुआ बोला, कहां जाते हो मुन्ना लाल, हम भी तो राहों में खड़े हैं। फुचिंग कांप उठा। फुचिंग ने विजय की तरफ इस प्रकार देखा मानो उसे क्षमा याचना कर रहा हो, लेकिन वो विजय था। उस पर भला इन बातों का क्या प्रभाव पड़ना था। उसने बिना एक क्षण का भी विलंब किए एक जोरदार किक जमा दी। फुचिंग बड़े उवेक से ठीक बागारोफ के चरणों में मुंह के बल जाकर गिरा। ये जानते ही वो बागारोफ के चरणों में आ गया है। फुचिंग ने चरण पकड़ लिए और बुरी तरह गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो चाचा, मुझे माफ कर दो। फुचिंग ने विजय की तरफ इस प्रकार देखा मानो उससे भी क्षमा याचना कर रहा हो, लेकिन वो विजय था। उस पर भला इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ना था। उसने बिना एक क्षण का भी विलंब किए एक जोरदार किक जमा दी। फुचिंग बड़े वेग से ठीक बागारोफ के चरणों में मुंह के बल जाकर गिरा। ये जानते ही बागारोफ के चरणों में आ गया है। फुचिंग ने चरण पकड़ लिए और बुरी तरह गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा कर दो चाचा, मुझे माफ कर दो। अबे हट उल्लू की दुम फाकता, कहते हुए बागारोफ ने एक ठोकर उसके जबड़े पर रसीद कर दी। अपने कीड़े पड़े हुए मुंह से तूने अगर मुझे फिर चाचा कहा तो चीर फाड़ कर सुखा दूंगा। तूने वो काम करके दिखाया है जो कोई भी जासूस नहीं कर सकता। अरे तुम तो जासूसों के नाम पर भी कलंक हो। एक ही ठोकर में फुचिंग दूसरी तरफ चला गया था। इस बार फुचिंग धनुष्टंकार के पास गिरा था। धनुष्टंकार ने विद्युत वेग से लपक कर उसके बाल पकड़ लिए और फिर जो उसने तेज तेज झटके दिए हैं, फुचिंग की चीखों से सारा कक्ष गूंजने लगा, उसकी मर्मातक चीखों से। कदाचित फुचिंग को छठी का दूध याद आ गया होगा। कोई भी जासूस धनुष्टंकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अंत में धनुष्टंकार ने फुचिंग को एक घूसे पर रखकर उछाल दिया। हवा में ही बांग्लादेश के रहमान ने उसे लपक लिया और बहती गंगा में उसने भी हाथ धोकर फुचिंग को माइक की तरफ उछाल दिया। माइक ने भी उसकी तबीयत मार मार कर दुरुस्त कर दी थी। मतलब ये कि सबने फुचिंग की खूब अच्छी तरह से धुनाई की। फुचिंग इस स्थिति में नहीं था कि किसी की धुनाई का जवाब दे सकता। पीटता पीटता दर्द की आधित्य के कारण अंत में वो फिर विजय के हाथ लग गया था। विजय ने उसका गिरेबान पकड़कर उठाया। उसकी हालत अब खस्ता गजब से अधिक खस्ता हो चुकी थी। वो अब ढीला पड़ गया था। रही सही एक आंख भी बार बार बंद होना चाहती थी। विजय ने उसे उठाया और पूछा, बेटा फुचिंग प्यारे, ये बताओ कि मैकाबर वालों से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी थी। फुचिंग चुप। डर और दहशत उसके चेहरे पर काबिज हो चुकी थी। बोलो बेटा, विजय फुचकारता हुआ उसके गाल पर हाथ फेर कर बोला, बताओ
तुम उन्हें हर सूचना क्यों पहुंचा रहे थे? वरना हड्डियों का बंडल तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। पांच करोड़, कपकपाकर फुचिंग मिमिया उठा। विजय का एक फौलादी घूसा उसके चेहरे पर पड़ा। घूसा इतना शक्तिशाली था कि उसके चेहरे की प्राकृतिक बनावट में परिवर्तन आ गया। विजय ने उसे पूछा था कि कितने करोड़ में उसने अपने आप को और अपने देश को बेचा था, और उसने 5 करोड़ रुपए का जिक्र किया। विजय गुर्रा उठा। बस चिन्नी पिल्ले, तेरा ईमान बस 5 करोड़ रुपए में ही बिक गया? 5 करोड़ के लिए तूने अपने देश के साथ गद्दारी कर ली, अपने धरती मैया को बेच दिया। 5 करोड़ के लिए अपने साथियों की चिंता नहीं की? अरे लानत है तुम पर, लानत है। तभी झपट कर फुचिंग को बागारूफ ने पकड़ लिया और बोला, दिल में तो आता है गद्दार कीड़े कि तेरी बोटी बोटी नोच डालू, लेकिन ये उल्लू के पट्टे जासूस इवेनो से डरते हैं। ये तेरे वही साथी है मुर्गी के, जिन्हें तू मौत के मुंह में ले जा रहा था। ये अब भी तेरी रक्षा कर रहे हैं। अगर ये तेरी रक्षा नहीं करते हरामजादे, तो वो हिंदुस्तानी लड़का जिसके नाम मात्र से तेरा पेशाब निकलने को तैयार हो जाता है, अभी तक तेरे जिस्म के हजारों टुकड़े कर देता। अब वो हम सबको चैलेंज करके बाहर सागर में कूद गया है कुत्ते। उसने प्रण किया है कि वो तेरी जान लेकर रहेगा। हम सब ने तुझे बचाया है, लेकिन वो जानता है कि तुझ जैसे गद्दार की सजा केवल और केवल मौत होती है। इसलिए वो हम सबको चैलेंज कर गया है कि अगर हमें ताकत है तो तुझे बचा ले। फुचिंग की तो फरिश्ते ही कांप उठे। ओ मिमी आया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो चचा। हट साले लुटिया चोर, फिर मुझे चचा कहता है? कहते हुए बागारूफ ने उसे फिर घूसे पर उछाल दिया। उसके बाद फुचिंग जिसके भी हाथ लगा उसी ने बहती गंगा में स्नान किया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पीटता पीटता फुचिंग बेचारा एक बार फिर से बेहोश हो गया। दर्द की अधिकता और पीड़ा के कारण फुचिंग एक बार फिर से बेहोश हो गया था। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की नॉवेल सीरीज की 5वीं एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज विजय और विकास। और इस सीरीज में आज से आप लोग जिस उपन्यास का वाचन सुन रहे हैं उस उपन्यास का नाम है मैकाबर का अंत। लेखक है भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक वेद प्रकाश शर्मा। आपको बता दूं, वेद प्रकाश शर्मा की बहुचर्चित विजय विकास सीरीज की उपन्यास मैकाबर का अंत, इसी उपन्यास का वाचन आप लोगों ने अभी सुना। अगर इससे पहले आप लोग इस नोवेल की पहली और दूसरी सीरीज यानी कि विकास मैकाबर के देश में ये नहीं सुना है, तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग विजय और विकास नोवेल सीरीज के पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक वेद प्रकाश शर्मा की उपन्यास हत्यारा मंगलसूत्र ये नोवेल अभी तक नहीं सुने हैं और इस नोवेल का अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप लोग हत्यारा मंगलसूत्र, वेद प्रकाश शर्मा की बहुत चर्चित सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री इस नोवेल को भी आप लोग सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। आदरणीय श्रोता, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप सभी के कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप सभी के कमेंट्स का हम लिखित रिप्लाई भी जरूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी अगली मुलाकात होगी इसी नॉवेल की यानी कि मैकाबर का अंत, इस उपन्यास की आगे की कथानक लेकर इसके 6वें एपिसोड में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त।
नमस्कार।